दोस्तों नमस्कार, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास ये फिलिप्स का मंडर फिर से एक रेडियो आ गया। इसमें रेडियो तो ऑन है, आपको ऑन करके दिखाते हैं। ठीक है, ये रेडियो हमारा ऑन है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है देखिए, इसमें डायल कोड जो है घूम नहीं रहा है। तो इसमें लगता है डायल कोड इसका टूट गया है। तो आज हम इसका डायल कोड कैसे मतलब लगाते हैं आपको सिखाएंगे। और इसमें जो है डायल कोड लगाना बहुत दिक्कत का काम होता है। अगर ये डायल कोड आपने लगा लिया, मान लो आपका जो कोई भी रेडियो हो उसका आप डायल कोड अपने डायल कोड लगाना सीख गए, तो अभी इसको हम खोल के देखेंगे इसमें डायल कोड टूटा हुआ है या मतलब उतर गया है, हमको देखना पड़ेगा। तो पहले इसको हम इसका जो स्क्रू वगैरह है खोल के आपको दिखाते हैं इसमें कौन सा सर्किट लगा हुआ है, और फिलिप्स का ओरिजिनल है या कोई अंदर में छेड़का नहीं किया गया है। देखिए ये फिलिप्स का ओरिजिनल कमांडर है। ठीक है, तो इसको हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें डायल कोड किस तरह से लगा हुआ है। बने रहिए, वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड, रेडियो के रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको देखना है हमारे चैनल पे, जो हमारा ऊपर चैनल पे जो आई बटन होता है, वीडियो के आई बटन पे इसका इस तरह का रेडियो का वीडियो बहुत सारा मिल जाएगा, देख लीजिएगा वहाँ जा करके। ठीक है, बने रहिए। तो दोस्तों हमने इसका स्क्रू जो है खोल लिया, इसका कवर निकल के देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका डायल कोड जो है टूटा हुआ है। देखिए ये टूटा हुआ है इस तरह से, इस तरह से रहता है, ये टूट गया है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जो डायल कोड है इसको निकाल करके हमको नापना पड़ेगा कितने लंबाई इसका होता है। तो पहले इसका सर्किट निकालते हैं। देखिए इसका सर्किट जो है बढ़िया से वर्क कर रहा है, सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीकर भी ओके है, सारा कुछ ओके है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ये डायल कोड इसका टूटा हुआ है। तो डायल कोड जब भी टूटा रहेगा तब आप जो है इसको स्टेशन कैसे पकड़ोगे। ठीक है, तो इसको सर्किट इसका इस तरह से निकाल लिया हमने। ठीक है, देखिए डायल कोड किस तरह से लगा हुआ है। इसमें दो ही चक्का होता है, एक दो तीन, इधर तीन और भी चक्के होते हैं, मतलब ये जो चक्का होता है ये दो बड़े चक्के और एक मेन। ठीक है, तो इस डायल कोड को हम देखते हैं, कोई बात नहीं। इसका ये हाई लो का ये जो स्विच है ना, इसमें होता है हाई लो, उसका कनेक्शन है, कोई बात नहीं। तो पहले हमें इसमें से एलईडी को हटा देते हैं, या फिर एक्स्ट्रा एलईडी लगा हुआ है इसको हटा देते हैं। तो इस डायल कोड को हमको बहुत सावधानी से खोलना पड़ेगा। सावधानी खोलने के बाद इसके लिए हमने डायल कोड इस तरह से धागा ले लेना है। तो हमने दूसरा धागा ले लिया, ये हमने धागा दूसरा ले लिया। ठीक है, तो इस धागे का मेज़र इसके साथ में हम कर लेते हैं, किस तरह से हमको इसका धागा चढ़ाना है, देखते रहिए। पहले पुराना धागा को जो है हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तब जाके हम नया धागा इसमें चढ़ा सकते हैं। ये धागा अगर किसी ने खोल लिया ना घर में तो ये इसको लगा नहीं सकता, इतना ये बहुत दिक्कत वाला काम है। ये हमने धागा को मेज़र करना है, पुराना धागा और नया धागा के मेज़र करना है।
देखिए यहाँ से यहाँ तक होता है, तो यहाँ पे हम काट देंगे। दो गांठ लगा लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, अभी हम इसको जो है पहले अच्छे से लपेट लेते हैं और आपको लपेट के दिखाते हैं। देखिए इस तरह से लेना है और इस तरह से लगा देना है। लगा दिया, फिर इसमें एक पेंच लगा देते हैं, फिर इसको उल्टा करके एक पेंच लगा देते हैं। ठीक है, ये अभी हमारा इसका पेंच जो है हमने लगा दिया। तो अभी इसको पहले हम उल्टा घुमाते हैं, एक पेंच हमने दे दिया। ठीक है, इस तरफ से हो गया। तो अभी हमको नीचे से इसको पेच लगाना है, ऐसे उल्टा करके दो पेच लगा दिया। फिर इसको इस तरह से हमको दो पेच लगाना है, हो गया। अभी इसमें इसमें देखिए इसमें देना पड़ेगा, इसमें देते हैं, तीन पिच लगाते हैं, तीन पिच लगा दिया। फिर से इसमें से ले आते हैं। दोस्तों इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये खुल जाएगा। इस तरह से घुमा करके हम ले आएंगे। फिर जो है इसमें जो चक्का है इसमें भी हम लगाएंगे। देखना पड़ेगा हमें, पहले हमको फाइनल इस लगाना हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी जो है इस धागे को हम इस तरफ से हमको ले आना पड़ेगा, कहीं पर भी हमारा धागा जो है ज़्यादा लग चुका है, इसीलिए हमें थोड़ा सा छोटा हो रहा है। अभी ये उल्टा हो गया, इसको इस तरफ से घुमाना पड़ेगा। बहुत दिक्कत का काम है दोस्तों, फिर से खोलना पड़ेगा। खोल करके इसका पेच जो है हम सीधा कर लेते हैं। इसका जो लेवल है इसको लगा के देखना पड़ेगा, सही से इधर उधर हो रहा है नहीं। पूरा इधर ले लिया, अभी इस लेवल को इधर फिक्स कर लेते हैं। देखते हैं घुमा करके। देखिए इतना ही जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा है।
वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, हम इसको थोड़ा पुश करते हैं वीडियो को, फिर आपको इसका डायल कोड लगा करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आखिरकार हमने इस धागे को बांध लिया। अच्छे से देखिए हमने किस तरह से इसको बांधा है, ठीक है। अभी आपको फिटिंग करके आपको दिखाते हैं ये जो लेबल है ये अच्छी तरह से इधर उधर जा रहा है या नहीं, फर्स्ट टू लास्ट जा रहा है या नहीं। अगर धागा हमारा सही से बांधा नहीं होगा तो ये आधा ही चलेगा और आधा रुका रहेगा। तो इसमें जो अभी हमने बांधा है ये पूरी तरह से इधर उधर जा रहा है, इधर इस तरफ से इस तरफ तक पूरा जा रहा है। तो अभी जो है हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, पहले हम ये जो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग भी रहता है, इस स्प्रिंग को इधर लगा के फिर आपको इसको फिटिंग करके दिखाते हैं ये पूरी तरह से काम कर रहा है या नहीं, घूम रहा है या नहीं, देखते रहिए। क्योंकि ये जो धागा है ना दोस्तों, ये धागा बहुत मुश्किल का काम है बांधना, क्योंकि इस रेडियो पे जो है लंबा मीटर रहता है, मीटर जो है जो स्टेशन का मीटर है ना बहुत लंबा है, इसके लिए ये धागा थोड़ा लंबा बांधना पड़ता है। दूसरे रेडियो में तो एकदम सरल है, आसानी से आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा मुश्किल है। इस धागे को बहुत सारे लोग बांध नहीं सकता है, अगर इनको जो है एक्सपीरियंस नहीं हो तो ये धागा बहुत सारे लोग ये बांध नहीं सकता है। ये हमने बहुत समय लगा, हमें जो है बहुत समय लगा है, इसको थोड़ा गांठ लगा देते हैं ताकि ये वापस खुल ना जाए, ये हमने इसमें गांठ लगा दिया, ठीक है। तो हमारा जो ये जो हमने धागा लगाया है आपको फिटिंग करके दिखाते, और इसका कनेक्शन जो है ये टूट गया है, तो ये हाई लो का कनेक्शन है, ये हाई लो का कनेक्शन हम कर लेते हैं, क्योंकि सामने एक हाई लो वाला स्विच है उसका कनेक्शन है, इसका टूट गया है तो इसको लगा लेते हैं, फिर आपको इसका मीटर चला के दिखाते हैं चलता है या नहीं। आप भी देखिए देखिए ये वाला स्विच है, ये हाई लो का काम करता है, तो यहाँ से टूट चुका है, यहाँ पे हम इसको सोल्डरिंग कर देते हैं, उसके बाद आपको मीटर चला के दिखाते हैं, इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये कनेक्शन भी हमने कर लिया, इधर से हमने कनेक्शन टूटा हुआ था तो उसको हमने लगा दिया, और सर्किट को हम इधर बिठा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। बैठ चुका है, ये जो दो कनेक्शन है ये हमारा एंटीना है जो कि शॉर्ट में लगता है, शॉर्ट वेव लगता है, इसका शॉर्ट वेव कनेक्शन भी कर लेते हैं, और यहाँ पे एक इंडिकेटर है इसको भी बिठा देते हैं, इस तरह से इसको रहने देते हैं और शॉर्ट वेव का कनेक्शन कर लेते हैं।
शॉर्ट वेव कनेक्शन हो चुका है। तो अभी टेस्ट की बारी है, हम पहले इसको देखते हैं घुमा करके। ये घूम रहा है नहीं, देखिए पूरी तरह से बढ़िया से जा रहा है, लस्ट तक चला गया। अभी इधर लाएंगे, देखिए कहीं भी अभी अटका नहीं है, बढ़िया से आ रहा है, ठीक है, बढ़िया से काम कर रहा है। देखिए यहाँ तक इसका मीटर है, और ये रेडियो हमारा डायल कोड का जो काम था हमने पूरी तरह से इसको कर दिया है। इसको ढक्कन लगाएंगे और कस्टमर को डिलीवर कर देंगे, क्योंकि ये रेडियो में और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये चल रहा है, हमारे यहाँ स्टेशन नहीं पकड़ता है, इस दुकान पे स्टेशन नहीं पकड़ता है, क्योंकि हमने इससे पहले भी बताया था इस दुकान पे जो है बहुत सारे कनेक्शन वगैरह लगा हुआ है, जो कि केबल टीवी का यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, बाहर जाने से ये बढ़िया से बचता है। मीडियम पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए तो दोस्तों हमारा रेडियो जो है इसका डायल कोड का काम था हमने बना लिया। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।